Good morning, dear children. How are you? What are you doing today? Today we will start subject science class 4th, chapter number 4th. के आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है? चैप्टर 4 तक हमारा फर्स्ट टर्म का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा. ये क्वेश्चन आंसर आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे और मैं इसकी पिक आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है? Why do animals reproduce? Animals जो होते हैं उनमें reproduction की प्रोसेस क्यों होती है? क्योंकि the living beings reproduce to produce more of their own kind. This ensure the continuity of lives. मतलब कि living things जो होते हैं वो जब living beings रहते हैं वो एक दूसरे से reproduce होते हैं और अपने ओन वंस को अपनी मतलब जो भी बच्चा है उसको जन्म देते हैं उसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं, रिप्रोड्यूस बोलते हैं. व्हाई डू बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट? बर्ड्स जो हैं वो अपना घोंसला क्यों बनाते हैं? बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले एग, देयर एग, दे टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस इन देयर नेस्ट. मतलब कि जो बर्ड्स हैं वो अपने नेस्ट इसलिए बनाते हैं कि वो उसमें अंडे दे सकें और अपने यंग वंस यानी अपने बच्चे की केयर कर सकें. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंक्यूबेशन? इंक्यूबेशन मींस क्या होता है? वन ऑफ द पेरेंट्स बर्ड्स सिट ऑन द एग फॉर सम डेज टू कीप देम वार्म. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंक्यूबेशन. मतलब कि कुछ दिनों तक मदर जो रहती है, मदर पेरेंट्स जो रहता है वो अंडों के ऊपर बैठती है और उसको बैठने के बाद में उसमें थोड़ी सी गर्मी आ जाती है अंडे के अंदर. उस प्रोसेस को हम इंक्यूबेशन कहते हैं. क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन. स्टेट द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ एन एग. एग के 3 पार्ट्स होते हैं, एल्बुमेन, योक एंड एग सेल. तो इसके आपको फंक्शन. फर्स्ट आपका है एल्बुमेन. इट प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रायो फ्रॉम शॉक्स एंड जर्क. इट प्रोवाइड्स वाटर टू द डेवलपिंग एम्ब्रायो. इसके अंदर वो वाटर को सप्लाई करता है जिससे कि एम्ब्रायो जो बच्चा उसके अंदर है अंडे के अंदर वो डेवलप हो जाता है. योक जो होता है इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रायो. येलो पार्ट जो होता है एग का वो एम्ब्रायो को नरिशमेंट यानी कि पोषण प्रदान करता है. एग सेल, दिस हार्ड आउटर सेल प्रोटेक्ट्स द एग. एग सेल जो होती है वो बाहर की आउटर सेल होती है एग की जो कि एग को प्रोटेक्ट करती है. वॉट इज मेटामॉर्फोसिस? मेटामॉर्फोसिस इज कम्प्लीट चेंज इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द यंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द यंग स्टेज टू द एडल्ट स्टेज. ठीक है, मेटामॉर्फोसिस जो होती है कम्प्लीट चेंज होता है एक ऑर्गेनिज्म का जो कि यंग स्टेज से एडल्ट स्टेज में चला जाता है. डिफाइन लाइफ साइकिल एंड माउंटिंग. माउंटिंग और लाइफ साइकिल को डिफाइन करना है. तो लाइफ साइकिल क्या होता है? द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट दैट टेक्स प्लेस इन एन एनिमल्स फ्रॉम द एम्ब्रायो टू द एडल्ट स्टेज इज कॉल्ड इट्स लाइफ साइकिल. मतलब कि लाइफ साइकिल जो होती है एक सीक्वेंस होता है, एक डेवलपमेंट होता है किसी भी एनिमल्स का या एम्ब्रायो का जो कि एक एडल्ट स्टेज तक जाता है उसको हम लाइफ साइकिल बोलते हैं. माल्टिंग जो होता है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ शेडिंग ओल्ड स्किन एंड चेंजिंग इनटू एडल्ट. मतलब कि माल्टिंग मीन्स होता है एक ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं जिसकी ओल्ड स्किन होती है उसको शेडिंग करके मतलब जैसे आप पेंसिल से किसी भी ड्राइंग को शेडिट करते हैं इस प्रकार से ओल्ड स्किन जो होती है उसको शेडिंग करके चेंज करना, एक एडल्ट में बनाना, उसको हम बोलते हैं माल्टिंग. शॉर्ट आंसर का लास्ट है आपका. डिस्क्राइब वन सिमिलरिटीज बिटवीन सी हॉर्स एंड कंगारू.
सिमिलरिटी, सिमिलरिटी मतलब कि सी हॉर्स और कंगारू जो है उनके दोनों के बीच की हमें सिमिलरिटी यानी कि समानता बतानी, क्या समानता होती है। सी हॉर्स कैरीज इट्स एग अराउंड इन अ पाउच, सी हॉर्स जो होते हैं वो अपने एग को अपने पाउच के अंदर ही रखता है। एंड कंगारू आल्सो हैव अ पाउच ऑन देयर बॉडी टू कैरी देयर यंग वंस, और जो कंगारू है उसके पाउच भी पाउच होता है लेकिन वो अपने बच्चे को जहाँ भी जाता है वहाँ साथ लेके जाता है। सो स्टूडेंट्स ये थे आपके शॉर्ट आंसर्स, इसके बाद आपके हैं लॉन्ग आंसर्स। तो लॉन्ग आंसर्स आपके 7 थे जिसमें से मैंने 4 ही करवाए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, आप इतना लर्न भी नहीं कर पाएंगे ठीक है, और लिखने में भी आपको बहुत टाइम जाएगा। अगर हो सकेगा तो मैं इसको वर्कशीट में इंक्लूड कर दूंगी। तो लॉन्ग आंसर भी आप देख लीजिए, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल दी गई है। अ बटरफ्लाई हैज़ 4 स्टेजेस, आप जानते हैं बटरफ्लाई की जो लाइफ लाइफ साइकिल होती है वो 4 स्टेजेस में कंप्लीट होती है। तो आपकी बुक में बटरफ्लाई का डायग्राम दिया हुआ है लाइफ साइकिल का, वो भी आपको इसी क्वेश्चन के साथ में आंसर के साथ में इंक्लूड करना है। इन इट्स लाइफ इट लेज एग ऑन द लीव्स, आप जानते हैं कि बटरफ्लाई जो है वो किस पे अंडे देती है, लीव्स पे अंडे देती है। उसके बाद में इसमें हैचिंग की प्रोसेस होती है, फिर लार्वा, लार्वा के द्वारा जो प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं हम कैटरपिलर, लार्वा गेट्स देयर फूड फ्रॉम लीव्स, लार्वा जो है वो लीव्स से अपना भोजन लेता है। द थर्ड स्टेज इज द प्यूपा, थर्ड स्टेज क्या है, प्यूपा है। इन दिस स्टेज लार्वा कवर देमसेल्फ विद अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कोल्ड कोकून, लार्वा के द्वारा जो कोकून है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देता है, थ्रेड मतलब धागे के जैसा स्ट्रक्चर देता है, इसको हम कोकून बोलते हैं। द कैटरपिलर अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन इनसाइड द कोकून, और ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस होती है कोकून के अंदर, एंड एडल्ट इमर्ज फ्रॉम द कोकून ठीक है। इसके बाद में हमें एक एडल्ट यानी कि छोटा सा उसका कंगारू गिव्स बर्थ टू देयर बेबीज बट दे आर कॉल्ड मार्सुपियल्स, वाई। सेकंड क्वेश्चन, कंगारू जो है वो अपने बच्चे को जन्म देता है, अपने बेबीज को जन्म देता है, फिर भी उसको वो मार्सुपियल्स क्यों कहा जाता है। कंगारूज आर कॉल्ड मार्सुपियल बिकॉज दे हैव अ पाउच ऑन देयर बॉडी टू कैरी देयर यंग वंस, द मदर कंगारू केयर्स फॉर देम, फीड्स देम एंड प्रोटेक्ट देम एंड कैरी देम एवरीवेयर इन हर पाउच टिल दे कैन लुक आफ्टर देमसेल्फ। कंगारू जो होता है उसको मार्सुपियल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके पास पाउच होता है, एक थैली सी होती है उसके पेट के नीचे की साइड में, जिससे वो अपने जो भी बच्चा है उसको मदर कंगारू अपने साथ में ले जाती है, उसकी केयर करती है, उसको भोजन खिलाती है, उसको प्रोटेक्ट करती है ठीक है, उसको हर जगह ले जाती है और उसकी देखभाल करती है। थर्ड क्वेश्चन है, वेयर डू टर्टल ले एग्स, व्हाट डू दे डू विद देयर बेबीज आफ्टर हैचिंग, टर्टल जो है वो अपने अंडे कहाँ देता है, एंड व्हाट डू दे डू विद देयर बेबीज आफ्टर हैचिंग, जब उसके टर्टल के जो बच्चे हो जाते हैं उसके बाद में वो क्या करता है। टर्टल डिग शैलो पिट नियर द रिवर, टर्टल क्या करता है रिवर बैंक के नियर में यानी समुद्र के किनारे बहुत गहरा गड्ढा करता है, वहाँ पर अपने अंडे देता है। एंड दे कैरी देयर यंग वंस टू द वाटर बॉडी, और अपने यंग वंस अपने बच्चों को उसके अंदर ले जाता है वाटर के अंदर, एंड एग हैच एंड टेक केयर ऑफ देम फॉर सम टाइम, और कुछ दिनों के लिए जब अंडे फूट जाते हैं तो वो अपने बच्चों की केयर उसके साथ में। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाई डज टैडपोल हैव गिल्स इंस्टेड ऑफ लंग्स टू ब्रीथ, टैडपोल जो है, टैडपोल मतलब मेंढक के बच्चे को बोलते हैं, तो मेंढक का जो बच्चा रहता है उसके अंदर गिल्स पाए जाते हैं, गिल्स इंस्टेड ऑफ लंग्स टू ब्रीथ, तो वो लंग्स से ब्रीथ क्यों करता है। Tadpole lives in water to breathe under water. Tadpole have gills instead of lungs. टैडपोल जो है वो कहाँ रहता है, वाटर के अंदर रहता है, तो वो जब वाटर के अंदर रहता है तो अपने गिल्स के थ्रू ब्रीथ करता है, अपने लंग्स के थ्रू नहीं करता है। जब वो उससे बाहर आ जाता है तो वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करता है। सो स्टूडेंट आपका 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे।
ठीक है, और दोबारा कोई नहीं कहेगा कि मैम ये सेंड कर दीजिए, ठीक है। हमारे फर्स्ट टर्म का कोर्स यहीं तक था, 4 चैप्टर तक, मैं 4 चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। शॉर्ट और लॉन्ग आंसर दोनों मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर दूँगी, तो आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे। नाउ टुडे क्लास इज़ ओवर हेयर।